बात है, एक अध्यापक एक धनी परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें कई मजदूर के जूते दिखाई दिए। तो शिष्य को कुछ मजाक सूझा, उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्यों ना हमें जूतों को छुपा दे, तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि इसका उस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुजी ने कहा, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है, किसी गरीब इंसान के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दे। और देखिए उसका उस गरीब मजदूर पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वह गरीब मजदूर वापस लौट कर आया और उसने अपने जूते पहने, तब उसे कुछ कठोर महसूस हुआ। उसने अपने जूते के अंदर हाथ डाल के देखा तो उसे कुछ सिक्के दिखे। उसने आसपास देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने उन सिक्कों को हाथ में लेके प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, जिसने भी ये सिक्के मेरे जूतों में डाल दिए उसे हमेशा खुश रखना, आज उसी इंसान की वजह से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना ले जा सकूंगा। यह कहकर वह चला गया। ये बात गुरुजी और शिष्य भी सुन रहे थे। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी किसी को परेशान करने से नहीं, किसी की मदद करने से मिलती है। आप सभी खुशियाँ बांटते रहिए और सबकी मदद करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी की मदद धन देकर ही करें, आप किसी का हौसला बढ़ाकर या समय पर सही राय देकर भी किसी की मदद कर सकते हैं। करिए वो।